ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होता है अपर पीसीएस का 2022 का, वो हो चुका है, 12 बजे ख़त्म हुआ। तो ये हम डिस्कशन करेंगे 150 के 150 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं और कैसे आप अगले जो UKPSC का पेपर होने वाला है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं ना। और सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का। तो इसमें क्या होगा, एंटी डिफेक्शन का लॉ का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर सपोज कोई बंदा बीजेपी पार्टी से है, वो छोड़ के चले जाता है कांग्रेस पार्टी में इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो दल बदल हो जाता है, वो 10th शेड्यूल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे आज के UKPSC में। तो पहला हो जाएगा आपका पॉलिटी का। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज टॉपिक और नंबर इनको दे देंगे ताकि आगे के जो अपकमिंग UKPSC का होगा उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए और अच्छे मार्क्स आप गेन पाएँ कर पाएँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पॉलिटी का। ओके सेकंड, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सेकंड क्वेश्चन भी है आपका पॉलिटी का। आप बेसिक से लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विस सेशन। देखो बहुत ज़्यादा UKPSC का पेपर कहीं ना कहीं UPPCS के पैटर्न में देखने को मिल रहा है। ये अब टू द पॉइंट फैक्चुअल बेसिस पे नहीं है, कहीं ना कहीं उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ठीक है, पहला वाला फैक्चुअल था एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल वाला चल रहा था, अभी न्यूज़ में चल रहा था, इसलिए ये दे दिया गया होगा। सेकेंड, हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि फैक्चुअल हैं, MCQ हैं, वन लाइनर हैं, तो इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्यों आया कैसे आया, ठीक है। वो तो UPSC का पेपर होता है तब करंट में चीज़ें रहती हैं, बट अभी ये UPPCS का भी पैटर्न सिमिलर दिख रहा है, इसलिए करंट में जो चीज़ें आई हैं उसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बने रहते हैं। तो अभी इलेक्शन चल रहे थे 5 राज्यों के, तभी ये क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन वाला आया। अभी हाल में बहुत सुना होगा आपने, कांग्रेस के इतने लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, इतने लोगों को ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सेकंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, अब पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटी होती हैं, तो उसमें से लोकसभा के कितने मेंबर चुने जाते हैं, टू द पॉइंट वाला रटने वाला ये वाला क्वेश्चन आया था। तीसरा है, कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर करी थी, किस सेशन में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री का, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन पॉलिटी के, तो आप इस बेसिस पर नंबरिंग करना और पूरे एनालिसिस। नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। फैक्चुअल बेस्ड है, पॉलिटी का ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। बहुत सारे आप एम लक्ष्मीकांत पेपर सॉल्व करोगे, जो MCQ चैप्टर वाइज उन्होंने बनाए हैं, तो बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो एक तो बुक है एम लक्ष्मीकांत वाली, एक है एम लक्ष्मीकांत की MCQ, वो आप चेक कर सकते हैं, वो चैप्टर वाइज है, तो बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है और मेजरली क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हैं हर एक चैप्टर के एंड में। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए अभी क्या हो रहा था, कश्मीर इश्यू चल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा था, तो उसमें मानव अधिकार का वायलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो HRC ह्यूमन राइट कमीशन, इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में देखिए 2019 5 अगस्त को हुआ क्या था, पहली बार हिस्ट्री में, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था, एक स्टेट को तोड़कर दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी, मतलब डिग्रेड कर दिया, समझ रहे हो, जो उनको टेरिटोरियल अथॉरिटी दी है वो डिग्रेड। कभी हमेशा जैसे गोवा यूनियन टेरिटरी थी पहले, फिर राज्य बनी, मतलब बड़ी चीज़ बनी, ठीक है, जिसमें ऑफिशियल अथॉरिटी ज़्यादा होती है। राज्य बन जाएगा तो वहाँ पर उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, बट पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टेट डिग्रेड होके यूनियन टेरिटरी में बदला था, ठीक है। तो कौन थे टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, टू होम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज मिलिट्री एडवाइजर ऑन ट्राई सर्विसेज मैटर। अभी क्या हुआ था, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट CDS हैं इंडिया के थे मिस्टर विपिन रावत, उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ILO। अब ये वाला क्वेश्चन क्यों आया है, जो लेबर कोड्स अभी हाल में ही आए थे, तो तभी ILO का
यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जमीन का अधिकार किसमें है, यहाँ पर ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, नेचुरल राइट या लीगल राइट, तो आंसर लीगल राइट। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जनरल काउंसिल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, आपने अच्छे से एक बार भी पढ़ी है, आपको पीआर पब्लिकेशन में मेरे पूरे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, उसमें से सभी क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इफ पंचायत इज डिसॉल्व, क्वेश्चन क्या है कि जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल क्या होता है, बहुत सिंपल है, जोनल काउंसिल होता है कि देखिए पांच जोन है, वेस्टर्न, सेंट्रल, ठीक है, नॉर्थ जोन, तो इसमें क्या होता है स्टेट और सेंटर के बीच में और स्टेट स्टेट के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, तो उनको चेयर कौन करता है, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है, अमित शाह जी। इफ़ ए पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन डैश डैश मंथ, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो अगले इलेक्शन कब करवाने पड़ते हैं, किस बेसिस पर करवाने पड़ते हैं या कितने दिनों के बाद अंदर अंदर नए इलेक्शन होने चाहिए, 1 month, 3 month, 6 month या 9 month, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में तो आपके पहला है पॉलिटी का, दूसरा है पॉलिटी का, तीसरा है हिस्ट्री का, ठीक है, ये पॉलिटी का हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, तो वो क्या क्या करती है उसके बेसिस पर क्वेश्चन है। इसके बाद आंसर सीरीज भी सिमिलर क्वेश्चन, अभी जो ये वीडियो बन रही है वो सिर्फ क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और क्यों पूछे गए हैं उसी का पूरा पेपर एनालिसिस है। CDS वाला आप सबको पता है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ट्राई सर्विस मैटर में किसको देते हैं, ठीक है, एडवाइस, इन विच ईयर ILO, ये सब कर लिए, ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बॉडी है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। जोनल काउंसिल पॉलिटी का है, ये भी पॉलिटी का, पॉलिटी का पहले उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ हुई थी, सार्क कब से नहीं हुई है, आप सबको पता है 2014 से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चला, ठीक है, उसके बाद उरी अटैक वगैरह वगैरह बहुत सारे अटैक हुए, तो उसके बेसिस पर तब से डिसकंटिन्यू है, तभी सार्क का जो अल्टरनेटिव अभी माना जा रहा है वो है बिमस्टेक, ठीक है, बिमस्टेक। चलिए 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, टू द पॉइंट फैक्चुअल था, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा नया कमीशन आया था ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है यार, देखो SC ST के लिए तो अभी रिजर्वेशन है, SC ST के लिए तो अभी रिजर्वेशन है, राइट, बट आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि अभी क्या होता है मार्जिनलाइज सेक्शन तो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, तो उस बैकवर्ड क्लासेस के अंदर भी सब कैटेगरी होती है, ठीक है, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सा संविधान में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, देखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक मेंबर का टेन्यूर कितना होता है, देखिए दो, अभी टोटल 7 स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राइट, ऐसे आपके स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तो पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी थी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब नहीं है क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो अब क्या होता है, एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एक क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो दोनों के बेसिस पर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल के लिए होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने उनके मेंबर का जो टेन्यूर होता है कितने वर्ष का होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सिंपल सा एम लक्ष्मीकांत से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, आज के अगर आपने हिंदू एनालिसिस सुना है तो उस पर भी हमने डिस्कस किया कि इंडिया की हमेशा पॉलिसी रहती है कि नो फर्स्ट यूज़, ठीक है, आपको पहले यूज़ नहीं करना, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे जब ये पॉलिसी फ्रेम की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है फैक्चुअल बेस्ड, इन विच ईयर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनएक्टेड, इन्वायरमेंट का भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेम ऑफ स्टेट और सीट्स इन राज्यसभा, आपको पता होना चाहिए, पर ये आउट ऑफ बॉक्स एक क्वेश्चन है, जनरली राज्यसभा से कितने किस स्टेट के लिए सीटें हैं वो पूछा जा रहा है, तो आपको बेसिकली उत्तराखंड का पता होना चाहिए, राइट,
उत्तराखंड का पता है। देखिए ऑप्शन आता है ए बी सी डी, तो इस बेसिस पे मैच कर सकते हो आप। तो झारखंड में कितनी है, उत्तराखंड में कितनी है, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। नॉर्मल एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में इसके पीछे एक पूरा टेबल दी है जहाँ पर डायरेक्टली राज्यसभा लोकसभा की सीट मेंशन की गई है। तो इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी वो आंसर की के साथ आएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। इनमें से पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है जैसे लोकसभा राज्यसभा में, तो कौन राइट टू पार्टिसिपेट, यहाँ पर राइट टू वोट की बात नहीं कर रहे, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है ये पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द उत्तराखंड, द उत्तरांचल चेंज ऑफ नेम एक्ट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इनमें से देखो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा, तो उत्तराखंड से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अभी तक यहाँ पर पॉलिटी जनरली करीबन पूरे 150 क्वेश्चन में से जो सेट ये है, सेट बी है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, सेट बी में पहले 20 क्वेश्चन में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन तो पॉलिटी के ही आए हैं। नेक्स्ट है, अब 21 से आपका उत्तराखंड आ जाएगा। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। उत्तराखंड कब बना था, नॉर्मल क्वेश्चन UKPSC में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु डिक्लेयर्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट गैरसैंण वुड बी द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। अगर आपने परीक्षा वाणी ईजिली की है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जिसमें गैरसैंण को उत्तराखंड की समर कैपिटल बनानी चाहिए, उसमें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन थे, सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ कॉलोनियल कुमाऊं एंड गढ़वाल इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री पर यह क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड से, वो डायरेक्टली पूछा गया है, टू द पॉइंट परीक्षा वाणी की पहली पेज में यहाँ पर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक मॉडरेट लेवल है, कोई हार्ड या टफ लेवल नहीं है। टोबिन टैक्स इज लेविड ऑन, टोबिन टैक्स किससे रिलेटेड है, ऑन बॉडीज क्रिएटिंग एक्सटर्नलिटीज ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेट। राइट, 27, हु रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केट कौन रेगुलेट करता है, जो होती है ना राज्य सरकार की मंडी होती हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है और किस एक्ट के बेसिस पर रेगुलेट की जाती हैं वो पूछा जा रहा है। ठीक है, जो APMC मार्केट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। NDC कब बनी थी, आप सबको पता है जब नीति आयोग चल रहा था ना, उसके साथ साथ NDC होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जनरली ये एक ऐसी बॉडी है जो इवन एडवाइस देती है PMO को भी, और जितने भी पॉलिसी फ्रेम होती है ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट की, वो भी NDC के रिकमेंडेशन के बेसिस पर होती हैं और उस पर NDC का बहुत ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉज द लोवेस्ट इन द लोकसभा। देखो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुद्दे आते रहते हैं, तो इनमें से किस लोकसभा में एयर होता ना, किस लोकसभा के एयर में विमेन जो सांसद हैं वो सबसे कम थी, ये पूछा गया। 1952, 1967, 1977, 1989, जो भी टॉपिक। देखो अगली बार जब UKPSC की आप पेपर दो, ऐसे टॉपिक को भी याद रखना जहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुद्दे ऐसा नहीं होता कि यार जो ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं वो रैंडम तरीके से फ्रेम कर देते, नहीं, जो मुद्दा चर्चाओं में चल रहा है जिससे रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टॉपिक अभी आ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हद तक पॉसिबल है, अभी हम पेपर ख़त्म होते ही जिन बच्चों का पेपर हो चुका है UKPSC मेंस की तैयारी करवाने वाले हैं, कल से 3 अप्रैल आज हो चुका है, तो उस पर आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और इसी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल भी दी जाएगी और प्लान आप हमारे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेसिस पर यह क्वेश्चन दिया गया है। वर्ल्ड बैंक और IMF दो बॉडी हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की आप हमारी सीरीज पर जाएंगे, IMF वहाँ पर करवाया होगा, ईजिली उससे सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड PCS में जितने भी हमने टॉपिक करवाए हैं उससे ये क्वेश्चन आए हैं। द राइज इन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज, एक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा, ये है इकोनॉमिक्स का, ये भी इकोनॉमिक्स का है, महंगाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स की सीरीज ये सब एक्सप्लेन किया है पंकज सर IAS अकेडमी में, मैंने पूरा इंक्लूड किया है, आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, इनमें से कौन कौन से चेंजेस हुए हैं
इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिकॉर्म्स 1991 के बाद। आप सबको पता है 1991 में सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा था एलपीजी रिफॉर्म्स का, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया के पास, इंडिया गया वर्ल्ड बैंक के पास, वहाँ पर लोन था तो उनको अपनी करेंसी डीवैल्यू भी करनी पड़ी, और दूसरा बहुत सारे चेंजेस रिफॉर्म आए जब इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था। इंडिया अभी की प्रेजेंट मार्केट ऐसी है कि कोई भी प्रोडक्ट आप डालोगे वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमिक्स में जो टर्म आए हैं इन जनरल अगर आप लूसेंट पढ़े हुए हैं तो ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वॉज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटी। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है तो इनमें से किस चीज़ को बढ़ाने के लिए आया था, गेहूँ, चावल, दालें या सभी, ठीक है। जनरली मैल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, मैल न्यूट्रिशन कितना ज़्यादा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत सारे लोग भूख से स्टारवेशन से मर जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लाजमी है कि ये पूछा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया, भारत में कैसा टैक्स सिस्टम मिलता है, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, किसे कहते हैं, देखिए पंचवर्षीय योजना है तो उसके बेसिस पर रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, थर्ड प्लान, फिफ्थ प्लान, सिक्स प्लान या एट्थ प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सिंपल है, इकोनॉमिक्स का जो पहला ही चैप्टर है अगर पंकज सर आई एस अकेडमी में आप 10 वीडियोज देख लेंगे तो ईजिली ये एक्सप्लेन किया गया है। नाउ तो इनिशियल में जो पेपर बी है, सेट बी है यूके पीएससी का, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक पॉलिटी, फिर उत्तराखंड के दिखे, उसके नीचे अब हम इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, और आप एनसीईआरटी बेसिक करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। देखिए 11th और 12th प्लान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट ब्रॉड मेंशन होते हैं, उनमें से 11th जो 5-year प्लान है, 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसके बेसिस पर जो पॉइंट दिए हैं चार में से एक नहीं छांटना है, वॉज नॉट, ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नॉट पढ़ते नहीं और टू द पॉइंट सट आंसर दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट दैट। अब देखो बहुत बार मैंने अभी बोला है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहे हैं कि वन लाइनर हो रहे हैं, यहाँ पर आपसे अब थोड़ा UPPCS का पैटर्न आने लगा है UKPSC में। अगली बार जब भी होता है, चाहे 2 साल बाद, 1 साल बाद, आप तैयारी पर जुट जाइए, बहुत सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और उस बेसिस पर ही आपको कहीं ना कहीं, देखो ऐसे क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करेंगे जितने क्वेश्चन अभी हैं। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि WTA को बहुत बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देखो अब यहाँ पर लॉजिकल चीज़ें पूछी जा रही हैं जो करंट अफेयर में, अगर आप द हिंदू एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर का बैच हमारा चल रहा है, तो उस पर हर चीज़ ऐसी ही समझाई जाती हैं जो कि एक अपर PCS लेवल की डिमांड होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिशिएट इज जीरो, ये इकोनॉमिक्स का है, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग विल बी, अगर प्राइमरी डेफिशिएट जीरो होता है, जो अमाउंट ऑफ बोरोइंग है वो क्या है, लेस देन इंटरेस्ट पेमेंट, मोर देन इंटरेस्ट पेमेंट, जस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट या नन ऑफ दिस, ठीक है। आगे मैं पूरी सिक्वेंस वाइज सेट बी की, सिर्फ सेट बी की आंसर की आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट ही वीडियो में 1 घंटे के अंदर, सी सेट के पेपर एनालिसिस के बाद आपको जेन्यून और 100% सिक्योर आंसर की मिल जाएगी। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP, GII कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट है वट इज HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत की क्या थी 2020 के बेसिस पर, कुछ रैंकिंग के बेसिस पर भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ MSME वॉज डन, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, लेटेस्ट क्लासिफिकेशन कब किया गया था, जब इनकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी, या दूसरी जानकारी कि एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज वाला अगर कोई आप ठेला खोल रहे हो, सपोज गन्ने की जूस की दुकान खोली, तो उस पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके बेसिस पर आपके उस दुकान को माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ट एज सिक्योरिटीज, यहाँ पर क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था तो उस पर अमेंडमेंट भी किए गए, तो उससे ही रिलेटेड ये है कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। बहुत सारी अभी पब्लिक कंपनीज़ का डिसइन्वेस्टमेंट भी हुआ, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे मीगा कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज आर एबोलिश्ड बाई GST,
प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स या इनकम टैक्स। सिंपल सी बात है, कौन सा एबोलिश होगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो एबोलिश हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, इनमें से कौन सी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह हैं, BHEL, HEL, ONGC, इनमें से कहाँ का हेडक्वार्टर उत्तराखंड में नहीं है, नॉट लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जर्मनी का कोई बंदा है वो चाह रहा है कि भारत में आए, इन्वेस्टमेंट करे, कंपनी वंपनी लगाए, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। एक FDI मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी में, ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है, एक होता है FDI, एक होता है FII, ठीक है, और FPI, ठीक है, फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें शेयर्स, इन सब में पैसा लगाया जाता है। चलिए 50 क्वेश्चन तक हम पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज कैरीड आउट ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 2021, उत्तराखंड के करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ द बैंक है द लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन उत्तराखंड इन द ईयर 2020-2021, ठीक है, इनमें से लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज किसकी हैं, ये डायरेक्टली पूछा गया उत्तराखंड, फिर से करंट अफेयर। अब करंट अफेयर में भी कौन सा, आप इसमें पॉलिटी डाल सकते हैं, जनरली आप इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, डायरेक्टली करंट में इसको इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। अभी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, अभी बहुत सारे जो बैंक थे, ठीक है, लोगों का जो पैसा है, जैसे बहुत डिफ़ॉल्ट भी गया, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा था, तो बैंक जो हैं एक तो डूब गए या मर्ज चल रहा था बैंक के बीच में, तभी ये क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड में कौन कौन से, किस ब्रांच की सबसे कम ब्रांचेज हैं। ओके, हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वट आर रमसार साइट्स, रमसार साइट्स बहुत सिंपल सी बात है यार, रमसार साइट्स वेटलैंड के लिए होती है, वेटलैंड मतलब जैसे एक गीली ज़मीन है, वहाँ पर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रीच करेगी, चाहे एनिमल्स की, बर्ड्स की, पेड़ पौधों की, हर चीज़ की, तो रमसार साइट, रमसार ईरान की एक कंट्री है, मतलब ईरान की एक सिटी है रमसार, और रमसार किसके लिए होती है, वेटलैंड के लिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा, सबसे पहले इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यार इस बार के UKPSC में क्वेश्चन कैसे आए हैं, ताकि आप पॉलिटिकल सेक्शन इस पूरे पेपर को देखने के बाद 4 अप्रैल से आपको UKPSC की मेंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी, आंसर राइटिंग देखने को मिलेगी कि एक आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, उसका बैच भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन द ईयर 2021 नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला था, ये पूछा गया है 2021 का, राइट। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए तो होता है, मैथ्स के लिए कोई नोबेल प्राइज़ नहीं होता, ठीक है, तो ये अभी हाल में चर्चाओं में था, ये UKPSC 2000 जब भी नेक्स्ट होगा उसमें पूछा जा सकता है। इन द ईयर 2021 वेयर वॉज द 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड, 2021 की 26वीं जो COP 26 है वो कहाँ हुई थी, ये पूछा गया था। 56, लोगो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF को लोगो क्या है, WWF ने बहुत ज़्यादा फंडिंग दे रहा है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए भारत में भी, नेचर को कंजर्व करने के लिए भारत में भी, तो उसका लोगो पूछा जाता है। तो कभी कभी जब ऐसी बॉडी आती है ना, आप वेबसाइट खोला करो, उसमें देख लिया करो लोगो क्या है, उसका मोटो क्या है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एट प्रेजेंट द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड रिपब्लिक ऑफ इंडिया का क्या है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री। अब ये वाले जो, चलिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन हम कराते कहाँ हैं या कैसे आप उनको पढ़ सकते हैं। देखिए ये हमारे कुछ पेड बैच हैं, ये UPSC का है, UKPSC का है, तो इसमें देखिए ये जो है ऐसे ही डिफरेंस बिटवीन पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण यहाँ पर पूरा बताया गया है, कितने क्लासिफाइड हैं प्रिलिम्स के लिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है ओनली फॉर द प्रिलिम्स, पद्म भूषण इज द हाइस्ट, थर्ड हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसे ही मैंने पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। देखो सेकंड हाइस्ट कौन सा है, पद्म विभूषण, ये सब चीज़ें पूरी सिमिलरिटी क्या है। अब ये क्वेश्चन है 22 मार्च का, ठीक है, ये कब का है, 22 मार्च का। ऐसे ही बहुत सारे डेली के बेसिस पर पिछले एक साल के करंट अफेयर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक हमारा नया बैच भी चल रहा है जिसका नाम है लेवल अप करंट अफेयर बैच, 7 अप्रैल तक जो है 299 रुपीज़ में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर ऐसे ही आपको करंट अफेयर अप्रैल मंथ से शुरू मिल जाएंगे। UKPSC 2023 के जब भी नया UKPSC हो रहा है उसके लिए भी तैयारी होगी उसमें, और दूसरे मेंस के लिए भी। तो ऐसा ही एक टेलीग्राम का पेड बैच है जिसका नाम है लेवल अप करंट अफेयर बैच, तो आज है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल के हिंदू एनालिसिस आपको मिल गए हैं। ये देखो हिंदू न्यूज़पेपर की भी इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, एक न्यूज़पेपर के नोट्स मिल जाते हैं,
और एक डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। दोनों के ही वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप उसके बेसिस पे हमारे लेवल अप करंट अफेयर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ साथ ही साथ आप हमारी बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल हैं वो फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं पीआर पब्लिकेशन के टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द रिमोट सेंसिंग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक वेव्स, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर रूरल एरियाज़ में करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, तो रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है। झूम इज़ टाइप ऑफ क्या है, फोक डांस ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट में। नेम ऑफ ए रिवर, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। कल्टीवेशन है क्या, येस झूम कल्टीवेशन। द वो है JHUM। द सब्सटेंसेज विच हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर ए लो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ से केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वैल्यू एडेड टैक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड प्लगर ऑफ द सॉयल। इनमें से कौन सा एनिमल, ये एग्रीकल्चर का कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, किससे होता है, डायरेक्टली ए बी सी डी आपसे पूछा गया है। द स्पर्म यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल आर स्टोर्ड इन, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कैटल का स्पर्म निकाला जाता है तो उसको किस में स्टोर किया जाता है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द, मतलब साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेलुलोज बिलोंग, सेलुलोज किससे बिलोंग करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी हाल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तो दो बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इसमें कौन सा वो बैक्टीरिया है। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब बहुत सिंपल है भाई। सपोज जैसे बीटी कॉटन होता ना, बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी वाला कॉटन, तो कपास में कीड़े लग जाते हैं तो उसका कुछ जीन हटाकर अच्छा जीन हम लगा देंगे तो अगली बार वो ना कीड़ा लगेगा ना उसको ठंड लगेगी। तो यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में से उस चीज़ को हटाकर एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है जेनेटिक। अब तो ऐसा भी बोला जा रहा है जो आगे आने वाले बच्चे पैदा होंगे उन पर कोई बीमारी भी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 67, ये सब आंसर की में हम डिस्कस करेंगे। ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज रिफर्ड टू एच, एक दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में, दो कम्युनिटी हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है वो किस टर्म को रिफर करता है, बहुत सिंपल है। इफ एनी वन इनपुट इज हाई एंड आउटपुट इज हाई सच गेट इज कॉल्ड। अब ये 12th की फिजिक्स भी यहाँ पे देखिए, 10th तक आपको एंड गेट नॉर गेट नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, और गेट नहीं पढ़ाए थे, बट 12th की बेसिक साइंस, आप अगर लूसेंट की साइंस पढ़ोगे तो ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो लूसेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। IP एड्रेस आर यूज ऑन विच लेयर ऑफ OSI, रिफर्स रेफरेंस मॉडल, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर। IP एड्रेस बोलते हैं ना, मैं IP एड्रेस चेक कर लूँगा, तो एक्चुअल में वो किससे रिलेटेड, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो अगली बार हर एक सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े जो नोट्स होंगे आप 15-20 आप हर एक पेज के नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये नोट्स आपको PR पब्लिकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के नोट्स हो गए, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, ऐसा बकेती वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। CPU का फंक्शन क्या है, लाइट ट्रेवल सेट मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम, ऐसे ही ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर से आ गया। नेक्स्ट है इनमें से किस जगह पर उत्तराखंड ने अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डॉपलर वेदर रडार इंस्टॉल किया है, सिंपल सा क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है। इन विच ईयर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे FRI बोलते हैं एस्टेब्लिश किया गया था भारत में। देखो पहले एस्टेब्लिश किया गया था फिर उसमें और चेंजेस किए, तो सबसे पहले FRI कब एस्टेब्लिश हुआ था ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। उससे पहले पुराना नाम था नया नाम था ये भी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उत्तराखंड में उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल। देखो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड की आई थिंक सभी क्वेश्चन नॉर्मल है, टू द पॉइंट वाले आप किए होंगे। स्टेट ट्री क्या है उत्तराखंड का, साल, टीक, बुरांस या ब्रह्मकमल। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट नोबल पीस प्राइज 2021 में किसको मिला था, एबी अहमद को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। नोबल पीस प्राइज जनरली लोग डिमांड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे उनके सपोर्टर फेक सपोर्टर थे। जनरली डोनाल्ड ट्रंप का जब चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में मैंने पीस वो कर रखा है, ईरान मिडिल ईस्ट वाले में पीस मैंने वो किया है, तो मुझे भी नोबल पीस प्राइज मिलना चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। तो ये बकेती वाली बात है। तो ऐसे ही पीस प्राइज किसको मिला था 2021 में, वो
डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुई द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा, किस भारतीय महिला ने पीक किया था, ये क्वेश्चन है। इन विच ईयर हाइस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न अवार्ड किया गया था टू लेट लता मंगेशकर, अभी उनकी डेथ हुई है तो उनके बारे में ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि करंट में वो चीज़ चल रही थी तो ये पूछ दिया। मिताली एक्सप्रेस एक नई पैसेंजर ट्रेन है, रिसेंटली इनॉग्रेट की गई थी, कनेक्ट ढाका विथ विच इंडियन सिटी, बांग्लादेश की एक सिटी है ढाका कैपिटल, और उसको भारत की कौन सी सिटी कनेक्ट करेगी, सिंपल सी बात है मिताली एक्सप्रेस, आपको ये आंसर करना था। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट इज अ बायोग्राफी ऑफ होम ऑफ द फॉलोइंग, फुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, साइना नेहवाल या सचिन तेंदुलकर। अभी देखो ये करंट का क्वेश्चन है, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर 2022, भारत के लिए 2022 के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट होकर गई। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी इन जनवरी 2022, स्टूडेंट का स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी किस स्टेट में लॉन्च हुई है, डायरेक्टली पूछा गया है। अब देखो उत्तराखंड का यहाँ मेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो नेशनल लेवल पर भी करंट अफेयर आपको तैयार करने पड़ेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, राइट। चलिए, हु इनिशिएटेड द मैथी मूवमेंट इन उत्तराखंड, देखो ये उत्तराखंड की हिस्ट्री से है, मैथी उसमें जो है महिला की नई नई शादी हो जाती है तो वो पेड़ भी लगाती है, तो ऐसा मूवमेंट चलाया गया था इन्वायरमेंट को अवेयर कराने के लिए, तो मैथी मूवमेंट किसने चलाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन वर्ल्ड रैपिड चेस 2021, नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉन पुलिट्जर प्राइज 2021, पब्लिक सर्विस कैटेगरी का है, इनमें से किस न्यूज़पेपर को मिला था, जो अच्छी खबरें लाता है, बायस्ड नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट राइटली मैच्ड, पी वी सिंधु, बजरंग पूनिया, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, बहुत जेन्यून सा क्वेश्चन है कि इंडिया के लोगों को कितने मेडल मिले, ठीक है, और कौन किससे रिलेटेड है, किसको ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड मेडल मिला, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है किस प्लेस में, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2020 द होम मिनिस्ट्री डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का एक्ट है, इसके दौरान क्या होता है, कोई भी एक पुलिस वाला है, फौजी है जनरली आर्मी, वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है विदाउट अरेस्ट वारंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड विद इन मॉडर्न एमिनिटीज लाइक द एयरपोर्ट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो अभी इनमें से कौन सी रेलवे स्टेशन इंडिया की डेवलप किया एक मॉडर्न एम्यूनिटीज लाइक एयरपोर्ट, मतलब ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है जैसे एयरपोर्ट में दी जाती है, ठीक है, ऐसा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। अब खास बात यह है, ये पीपीपी मॉडल से बनी है, पीपीपी नाउ पीपी, यहाँ पर होता क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट क्या करती है, एक प्राइवेट कंपनी को वो प्रोजेक्ट देगी, प्राइवेट कंपनी, इसमें अब पीपीपी मॉडल में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी दूसरी कैटेगरी भी है, एक पैरामीटर मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। सरकार कहेगी ये ब्रिज बना दो, यहाँ रोड चलवा दो, रोड बनवा दो प्राइवेट कंपनी से, और 15 साल के लिए लीज में ले लो, जितना पैसा कमाना जाए तुम कमाओ, 15 साल के बाद इसे हमें हैंडओवर कर दो, ये होता है पीपीपी मॉडल, यानी कि पैसा भी उनका खर्च हो, उनका भी फायदा हो, रोजगार बढ़े, और 15 साल के बाद बट आप हैंड ओवर कर दोगे सरकार को, ये एक तरीके का पीपीपी मॉडल मैंने बता दिया, दूसरे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं बट ये अभी सिर्फ क्वेश्चन वाली सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द यूनिक स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वाइल्ड एलिफेंट को दूर। अब बहुत बार क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स में जो एलिफेंट आते हैं दब जाते हैं, तो ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, इनमें से यूनिक स्ट्रेटेजी किस रेलवे स्टेशन ने की है जो वाइल्ड एलिफेंट को दूर रखेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक स्ट्रेटेजी का जो है नाम क्या है। नेक्स्ट है, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया इन नवंबर 2021 में, सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट भारत में कहाँ किया इनॉग्रेट। 95 द फेमस गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, कहाँ हुआ था ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा, पूछा गया है। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, यहाँ पर डांस और ये बाकी स्टेट पूछे गए हैं, मैच द फॉलोइंग करनी थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच द लिस्ट वन लिस्ट टू रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड द सीईओ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, गूगल के कौन है। एक अच्छी बात बता देता हूँ कि हर जगह भारत के ही लोग छाए हुए हैं। ठीक है, ये देखो अगर नाम पढ़ोगे सत्य नडेला सुंदर पिचई पर अब गूगल तो अल्फाबेट भी हो गई है। ठीक है, पेरेंट कंपनी शांतनु नारायण सभी भारतीय हैं। देखो और यहाँ पर देखो मैच द फॉलोइंग में गूगल माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर एडोबी। ठीक है, ये कितने बड़ी कंपनीज हैं उनमें डायरेक्टली पूछा गया। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड। ट्रिक से आप याद कर लेंगे और जैन काउंसिल वाली पूरी हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री की हमारी वीडियोज़ हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्ले वॉज रिटन बाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या लिखा है, कौन सा लिखा है ये पूछा जाता है। हर्षवर्धन हर्षचरित। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ लीलावती भास्कर सेकंड कौन है। द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, वो रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर के कामों के पूरी कैटेगराइज किया गया है। गोल्ड सिल्वर कॉइन का साख पीरियड में क्या रेशियो था, मतलब अगर सिक्के बना रहे हो तो गोल्ड सिल्वर का रेशियो कितना डालेंगे। गधैया वॉज ए कॉइन लैंड टैक्स ट्रेड, ये सब हिस्ट्री का है, लूसेंट में डायरेक्टली मेंशन है। उदयन जिरल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग राष्ट्रकुता रूलर बिल्ट, ये पूरा एंशियंट हिस्ट्री का है। इन मौर्यन पीरियड प्राणायाम वॉज, ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकुता किंगडम, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हु वॉज नॉन एज द हजार दिनारी किसे कहते थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द राइवल ऑफ इल्तुतमिस, का राइवल नहीं था। द लार्जेस्ट हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड इन विच वैदिक गॉड, सबसे बड़ी हाइम। जनरली ये थोड़ा सा और एक्सट्रीम पूछ दिया है, किसी टॉपिक को अब ये बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक खाजेन उल फुतुह, ये है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मेंबर नहीं था नूर जहां जनता का। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, का कौन मेंबर नहीं है। हु इंट्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किसने इंट्रोड्यूस की है भारत में, ये पूछा जाता है। ड्यूरिंग विच मोमेंट द टू ब्रदर गंगाराम एंड खीमदेव वर मार्टाइड, ठीक है ये पूछा जाएगा। इन विच लैंग्वेज द फेमस वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय गिफ्ट टू मोनोथीस्ट वॉज रिटन। इन 1929 एट विच प्लेस महात्मा गांधी कंप्लीटेड हिज ट्रांसलेशन ऑफ अनासक्ति योग, का पूरी तरह कंप्लीट कर दिया था, ये पूछा गया है। हु वॉज द रूलर ऑफ टहरी स्टेट, जब ये मर्ज हुआ इन द इंडियन यूनियन उसमें कौन थे। कीर्ति शाह मानवेंद्र शाह, आपको परीक्षावाणी की हिस्ट्री में डायरेक्टली मैंशन ये दिया है। फर्स्ट रूलर टहरी स्टेट के कौन थे। कालू मेहरा इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड हैं कालू मेहरा, ये डायरेक्टली पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ टहरी स्टेट, कालू मेहरा इज एसोसिएटेड विथ। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कालू मेहरा से रिलेटेड तो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं। कालू मेहरा वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ईजी भी आपको लगा होगा, जनरली जितने भी उत्तराखंड हिस्ट्री के हैं टू द पॉइंट परीक्षा वाणी से ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए हैं और ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले। विच साउथ इंडियन डांस ट्रेडिशन वॉज फर्स्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ये थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स, साउथ की हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी वो क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, अल्पस माउंटेन हिमालयन रॉकीज़ या एंडीज। ठीक है, देखो कितना जो इन्होंने लिखा है ये जो स्पेलिंग है वो भी चेंज करके दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट मीट, अन्नामलाई हिल्स साहेद्री नीलगिरी हिल्स या कार्डमोम हिल्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट डज नॉट फ्लो इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये जो हॉट करंट वार्म करंट और कोल्ड करंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज बोर्नियो मेडागास्कर न्यू गिनी या सुमात्रा, आपसे आइलैंड पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आल्प्स माउंटेन, देखिए बहुत बार यहाँ पर देखो ये वाला और ये देखो खुद के ही इन्होंने जो इंग्लिश वाले में लिखे रहते हैं ये बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं। ठीक है, यूके पीएससी कमीशन
बहुत ज़्यादा मिसटाइप भी करता है, मिसप्रिंट भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सेकेंड, तो ट्राई ये करना आपसे जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको बार बार हिंदी से भी पढ़ें, ठीक है। चलिए, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर पूरे वर्ल्ड की कौन सी है ये पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। विच प्लेट्यूज लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्याज रेंज। विच कंट्री इज कॉल्ड बाउल ऑफ सुगर इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर विच इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलज की ट्रिब्यूटरी नहीं है। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्पियर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका में, कौन लोकेटेड नहीं है। और एट द एंड लास्ट क्वेश्चन, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज किसे कहते हैं। इन विच रिवर माता तीला डैम इज सिचुएटेड। एच वे जे नेचुरल गैस पाइपलाइन डजेंट हैव। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस पंपिंग स्टेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ लैकेडिव आइलैंड का पार्ट नहीं है लक्षद्वीप वाला। कोपन हैज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफी का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ, कितने जिले लिंक हैं उत्तराखंड के 2011 के सेंसस। ये मैंने पूरा पढ़ा है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क क्या क्या इंक्लूड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज नॉट एसोसिएटेड विद सिडकुल से, कौन सा प्लेस एसोसिएटेड नहीं है। ये जो उत्तराखंड में रहते हैं वो अच्छे से जान पाएंगे। खैर, खेचू इज ए ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन है। लास्ट, कोडरमा इज फेमस फॉर विच मिनरल। ओके, नाउ यहाँ पर मिनरल की सीरीज है, जैसा मेरा कोर्स स्टडी IQ में भी है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। बाकी आगे कल से सीरीज शुरू होगी UKPSC मेंस की। जो बच्चे ने UKPSC प्रीलिम्स दे दिया है वो बच्चे तैयारी करें, जिनके भी अच्छे स्कोर आ रहे हैं। मॉडरेट लेवल है, कोई टफ लेवल नहीं है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो कल से ही जुट जाइए, अपने टॉपिक को रख के एग्जांपल के बेसिस पे कितना अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर किसी को PR पब्लिकेशन के UKPSC का कंप्लीट प्लान लेना है फॉर प्रीलिम्स और मेंस फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम 7505134891 में आप प्लान ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।